क्रिकेट विश्वचषक साऊथ आफ्रिका आणि न्यूझीलंडमध्ये बुधवारी सामना खेळला गेला असून यावर खायवली करणाऱ्या दोन ठिकाणी कारवाई नागपूर पोलिसांनी केली आहे. कलमना आणि लकडगंज परिसरातून क्रिकेट सट्टा खेळणाऱ्या आरोपींना मुद्देमालसोबत नागपूर पोलिसांनी अटक केली आहे. काल न्यूझीलंड वर्सेस साऊथ आफ्रिका एक क्रिकेट मॅच, वर्ल्ड कप का क्रिकेट मॅच, एक मॅच था कल. उसके बारे में जानकारी खाईवाड़ी करते हुए क्रिकेट बेटिंग के एक कलमना पुलिस थाने में एक कार्रवाई करके 151,405 रुपये का मुद्देमाल हमारे यूनिट 3 के PSI काठो के साहब और उनकी टीम ने जब्त किया है. और लकड़गंज पुलिस थाने में हमारे यूनिट 3 के PSI पते साहब और उनके टीम ने एक आरोपी जगदीश अलाइज जग्गू दिलीप वागदारे और एक इनको पकड़ के 17,610 रुपये का मुद्देमाल जब्त करके पुलिस थाना लकड़गंज के ताबे में दिया है. आगे जो लकड़गंज का है उसमें जगदीश दिलीप वागदारे और राहुल दहाके ऐसे दो आरोपी है और मुद्देमाल 17,610 रुपये का. और दूसरी जो कार्रवाई है कलमना की उसमें अशफाक अंसारी, एहसान उल्ला अंसारी और दो उनके साथ में आरोपी है और वो मुद्देमाल उसमें 151,405 रुपये. उनके बारे में और जानकारी निकालना चालू है.